हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेमिंग रूम। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ सीक्रेट डोर्स के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे सामने एक सिंपल सी वॉल है और यहाँ पे एक आइटम फ्रेम लगा हुआ है जिसमें मैंने स्वॉर्ड लगाई हुई है। जब मैं इसको घुमा रहा हूँ, इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हो क्राफ्टिंग टेबल है जो थोड़ा सा बैक हो रहा है, जिसकी वजह से एक टनल कह सकते हो आप सीक्रेट बेस को जा रहा है। वैसे मैंने सीक्रेट बेस बनाया नहीं, पर आप देख पा रहे हो एक जो है टनल है वो जा रहा है। पहला जो हमारा सीक्रेट डोर है, जो आप कह सकते हो सीक्रेट रूम है, वो यही है। इसको बनाना बहुत सिंपल सा है। इसके लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है वो है, सॉरी ये कह रखी है उन्होंने, एक मिनट, ब्लॉक्स, स्टिकी पिस्टन, रेडस्टोन, जितना भी सामान चेस्ट में है उन सारे सामान की हमें जो है इसको बनाने के लिए ज़रूरत है। और मैंने सिर्फ थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए इस वर्ड की यूज़ किया है, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे बनाना है। पहले हमने एक सिंपल सी जो है वॉल बना लेनी है, ऐसे एक ब्लॉक की हमने पर स्पेस रखनी है बीच में, ऐसे बना लेना है। और अब क्या करना है, वहाँ पे पीछे वाली साइड एक पिस्टल लगा देंगे और उसके सामने एक क्राफ्टिंग टेबल लगा देंगे ऐसे। और यहाँ पे एक साइड पे लगा देंगे हम फर्नेस, ताकि जो थोड़ा सा आउट ना लगे सिर्फ। अब हमने एक थोड़ी सी लेयर ऊपर और बनानी पड़ेगी, जल्दी से बना लेता हूँ। और यहाँ पे लग जाएगा एक आइटम फ्रेम जो हमने जहाँ पे लगानी है, और इसके अंदर लगा देंगे हम स्वॉर्ड, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। अब हमने क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पे एक लगा देंगे ब्लॉक बिल्कुल ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट है ना, एक मिनट, ओके, एक दो, ओके, कहाँ पे, ठीक है, सही है। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे कंपैरेटर लगाना है, ऐसे नहीं, ऐसे हमने एक कंपैरेटर लगाना है और एक और ब्लॉक लगाएंगे यहाँ पे, एक मिनट, ऐसे। और अब हमने इसको रेडस्टोन की मदद से पिस्टन के साथ जो है कनेक्ट कर देना है, ऐसे ये कनेक्ट हो गया है, आप देख पा रहे, बहुत सिंपल सा सर्किट है। अब हमने जब हम स्वॉर्ड की पोजीशन को चेंज करेंगे तो क्राफ्टिंग टेबल अंदर बाहर होगा, देख पा रहे हो। अब हमने क्या करना है, क्राफ्टिंग टेबल के नीचे एक टनल से बना लेने और यहाँ पे लगा देंगे हम स्टेयर्स जो कि हमारे सीक्रेट रूम को जा रहा है। कुछ भी कह लो, आपने जो कुछ बनाना है वहाँ पे जाएगा जाए, ठीक है। तो बहुत आसान थी चीज़ थी ये, आई होप आपको पता चल गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पे, चलो चलें। जैसा कि देख पा रहा हूँ, ये हमारा जो सेकंड ओर है इसमें आपको शायद पता चल गया होगा, जब हम लीवर को दबाएंगे तो बुक शेल्फ्स अंदर चले जाते हैं और हम अब हमारे सीक्रेट डोर, सॉरी सीक्रेट डोर कह सकते हो आप, जहाँ हम सीक्रेट रूम में चले जा सकेंगे। और ये बहुत आसान चीज़ है, आप बुक शेल्फ की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए सामान ज़रूरत है वो, एक मिनट, ये सामान की, सारे सामान की ज़रूरत है, आप स्क्रीन शॉट ले लो, जल्दी से मैं इसे इकट्ठा कर लेता हूँ। चलो अब मैं आपको बताता हूँ इसको हमने कैसे बनाना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है जी। पहले नंबर पे हमने दो पिस्टन्स को ऐसे लगाना है और फोर ब्लॉक्स का डिस्टेंस रख के, एक दो तीन चार, और फोर ब्लॉक्स का डिस्टेंस रखना है आपस में, और दो पिस्टन इस साइड लगाने हैं। अब हमने क्या करना है, एक साइड जाना है और रेडस्टोन टॉर्च लगानी है एक ब्लॉक नीचे, उसके ऊपर लगा देंगे हम एक ब्लॉक ऐसे, और ऊपर लगा देंगे रेडस्टोन, एक मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं, दूसरी साइड भी हमने बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है, एक टॉर्च रेडस्टोन, ऊपर आ जाएगा ब्लॉक, ऊपर आ जाएगा रेडस्टोन। अब हमारे जो पिस्टन्स हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं, अब सेंटर में लगा देंगे ऐसे बुक शेल्फ्स। चलो अब हम इसके कर देते हैं कवर जल्दी से, ऐसे हम कवर कर देंगे, आप किसी भी ब्लॉक से कर सकते हो। क्या कर रहा हूँ भाई मैं, ओके, अब हमने कवर कर दिया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे अंदर वाली साइड जाएंगे और यहाँ पे थोड़ी सी हमें खुदाई करनी पड़ेगी, जैसे मैं कर रहा हूँ आप कर लेना ऐसे। टॉर्च, दोनों टॉर्चेस को हमने जोड़ना है, दोनों साइड वाली को, जल्दी से इसको खोदते हैं।
और अब हमने क्या करना है, रेडस्टोन को ऐसे कनेक्ट कर देना है। अब ध्यान रखना जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपने भी वैसे करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है थोड़ा सा कनेक्शन गलत हो जाती है उसकी वजह से जो काम नहीं करता। अब हमने आगे ऐसे 1 मिनट, हाँ ये ऐसे यहाँ इस जगह पे भी हमने लगा लेना है, और यहाँ पे थोड़ी सी खुदाई और करेंगे, उस साइड जाएंगे और यहाँ पे भी हमने इसे लगा देंगे ऐसे। और अगर आपने प्रेशर प्लेट्स लगानी है तो आप थोड़ा सा और आगे ले आना, और यहाँ पे ब्लॉक लगाकर ऐसे ऊपर प्रेशर प्लेट्स लगा देना, अंदर लगा देना प्रेशर प्लेट्स कुछ तो, और दूसरों को यहाँ पे लगा देना। अगर पर मैं इसको लीवर के साथ बना रहा हूँ, तो आप अगर लीवर के साथ बनाना है तो हमने क्या करना है, ऐसे आगे नहीं लेकर आना, वहाँ तक सर जाएगा हमारा। और इस ब्लॉक को हटा देंगे, यहाँ पे एक रेडस्टोन डस्ट डस्ट लगा कर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा लीवर, और हमारा जो है गेट काम कर रहा है। अब हमने इसको कवर कर लेना है। और हम एक बार का ध्यान रखना एक बात का, कि जो हमारे यहाँ पे ऊपर ही आ रहे हैं ना, जो कनेक्शन हमारी क्या कर दिया मैंने, इस कनेक्शन के ऊपर हमने स्लैब को लगाना है, क्योंकि फिर हमारा नहीं तो कनेक्शन टूट जाएगा अगर हम कुछ और लगाएंगे ब्लॉक वगैरह। लग जा भाई, पहले इस साइड ब्लॉक लगा कर देखता हूँ मैं। और इसके साथ हमने यहाँ पे स्लैब लगा देंगे, और बाकी सारे को हम कवर कर देंगे। जल्दी से मैं कवर कर देता हूँ इसके अंदर वाली साइड, आप हर जगह पे लगा सकते हो ब्लॉक्स, और जैसा आपका जी करे आप वैसे अंदर वाली साइड को बना सकते हो। बस जो है कनेक्शन वगैरह का ध्यान रखना कैसे कैसे की है मैंने, जहाँ पे भी स्लैब लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि अच्छा काम लगेगा, कलर्स का डिफरेंस आ रहा है। और जो हमारा सेकंड वाला जो डोर है वो भी बन गया है, बहुत आसान सी चीज़ है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमारे बुक शेल्फ्स की जा, और जितने भी मैंने सर्किट वगैरह बनाया है आप अच्छे से देख लेना कैसे बनाया है, इनको कनेक्ट कैसे किया है वो भी देख लेना। अब हम बढ़ते हैं दूसरे, सॉरी तीसरे पे। चलो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब मैं आपको थर्ड जो है सीक्रेट डोर है उसके बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक सिंपल सी जो है वॉल है, जो मैं इस लीवर को दबाऊंगा तो यहाँ पे एक गेट पाथ बन जाएगा। देख पा रहे हो ऐसे जो है ब्लॉक साइड पे हो गए, और एक पाथ सा बन गया, रास्ता बन गया हमारे सीक्रेट रूम को कह लो आप, जैसा कहना है। और इसको बनाने के लिए हमें ये सारा सामान चाहिए, और जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आप थोड़ा सा ध्यान से एक दो बार वीडियो को अच्छे से देख लेना। जो ग्रास तो मैं एक्स्ट्रा सामान एरिया मुझसे टूटेगा, क्योंकि आपको पता ही है क्रेटी में फालतू का बहुत टूटता है। चलो शुरू करते हैं। अब हमने क्या करना है, ऐसे 4 पिस्टन्स लगा लेने हैं ऐसे, और 2 ऐसे, गलत लगे ऐसे नहीं लगाने, 1 मिनट, ऐसे 2 ऐसे, और सेम टू सेम इस साइड करना है 2 ब्लॉक्स छोड़ के ऐसे, और यहाँ पे भी गलत लग गया ऐसे नहीं। 1 मिनट गाइस, क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे और दूसरी साइड के जैसे ऐसे। अब हम यहाँ पे लगा देंगे 2 ब्लॉक इस साइड, 2 ब्लॉक इस साइड, इसको कर देंगे कवर। जैसा कि आप ऐसे देख पा रहे हो मैंने सारा एरिया कवर कर दिया। अब मैं सर्किट बताता हूँ। हाँ, हमने ऐसे एक ब्लॉक लगा लेना है, और उसके ऊपर रेड स्टोन टॉर्च लगानी है, और एक साइड पे और एक ऊपर ब्लॉक, और यहाँ पे लगा देंगे हम रेड स्टोन। देख पा रहे हो हमारे सारे जो है पिस्टन चल पड़े उस साइड वाले। हमने यहाँ पे सेम फेयर से करना है, रेड स्टोन टॉर्च इस साइड भी और इस साइड भी ब्लॉक, और ऊपर उस साइड रेड स्टोन। देख पा रहे हो दोनों साइड वाले जो पिस्टन है वो चल पड़े, सिर्फ जो हमारे सेंटर वाले पिस्टन्स हैं जितने 4 वाले, ये 4 ये नहीं चल रहे। इनको चलाने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा, पर उससे पहले हमें थोड़ी सी खुदाई करनी पड़ेगी इनके नीचे ही। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ भाई साहब वैसे वैसे कर लेना। जैसा कि इधर देख पा रहे हो हमने जहाँ जो इससे वाले पिस्टन है उस तक करना है, और जो मैंने यहाँ पे वाइट ब्लॉक लगाया था इस, हाँ इस ब्लॉक तक करना है।
एक मिनट, यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर करना पड़ेगा। हमने ये सारा एरिया कर दिया, और इस साइड भी हमें क्लियर करनी पड़ेगी उस वाइट ब्लॉक के तक। अब हमने क्या करना है, एक मिनट, हमारा दोनों साइड वाला एरिया क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने दो ब्लॉक्स को लगाना है, और यहाँ पे एक रेडस्टोन रिपीटर, इसको हम फुल डिले पे कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगी रेडस्टोन डस्ट। और यहाँ पे स्लैब नहीं, ब्लॉक लगाने हैं दो ऐसे, और यहाँ पे आएगा रिपीटर, इसको भी हम फुल डिले पे कर देंगे, और यहाँ पे वायरिंग करके उसको दूसरी वाल से कनेक्ट कर देंगे ऐसे। अब हमने क्या करना है, इस वाले पिस्टन को एक्टिवेट करने के लिए इसके नीचे हम दो ब्लॉक लगाएंगे ऐसे, और दो साइड पे लगाएंगे, एक इस साइड एक इस साइड, और दोनों साइड्स पे लगा देंगे हम टॉर्च, और इसको कनेक्ट कर देंगे पहले वाली मेन वायर से। अब हमने क्या करना, देख पा रहे हो ये वाले पिस्टन है वो चल पड़े हैं। अब हमने ऊपर वाले पिस्टन को चलाने के लिए जहाँ पे एक टॉर्च लगा देंगे, और इसके ऊपर लगा देंगे हम एक ब्लॉक, यहाँ पे रेडस्टोन, और इसके ऊपर भी एक ब्लॉक आ जाएगा। और हमने यहाँ पे स्लैब को लगाना है। गाइस आप अच्छे से देख लेना क्योंकि कहाँ पे मैं स्लैब लगा रहा हूँ, कहाँ पे ब्लॉक, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा हमारे सारे सेटअप वगैरह का। यहाँ पे हमने दो ब्लॉक लगाने हैं, और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे रेडस्टोन, और कनेक्ट कर देंगे सारी वायर को। अब हमारा ऊपर वाले पिस्टन भी जो है चल पड़े, देख पा रहे हो सारे पिस्टन हमारे एक्टिवेट हो गए हैं। अब हमने लीवर लगाना है, देख पा रहे हो अच्छे से हमारी सिर्फ वॉल वॉल दिख रही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस वाली टॉर्च के सामने दो ब्लॉक ऐसे तोड़ देने हैं, और इस यहाँ पे लगा देना रेडस्टोन, और इसके ऊपर लग जाएगा एक ब्लॉक, और यहाँ पे लगा देंगे एक लीवर। देख पा रहे हो हमारा जो गेट अच्छे से बन गया है। अब हमें सिर्फ चीज़ों को कवर करना बाकी है, इसको यहाँ पे कवर कर देते हैं, सॉरी, और ऊपर से भी थोड़ा सा कवर कर देते हैं अच्छा लगे ताकि। चलो आपको दिखाता हूँ, देख पा रहे हो इस जगह को भी कवर कर दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आप कोई भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा अंदर से कवर कर दो। चलो गाइस हमारा जो थर्ड गेट है वो भी रेडी हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एक दो बार वीडियो को अच्छे से देख लेना, आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा क्या करना है। आई होप गाइस आपको सारे गेट अच्छे से समझ आ गए होंगे, अगर नहीं आए तो एक दो बार वीडियो को स्लो मोशन करके देख लेना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट भी कर देना। और आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।